दिल्ली के रोहिणी इलाके में इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच द्वारा 25 अक्टूबर से आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। इस कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कलश यात्रा का शुभारंभ रोहिणी के सेक्टर 16 स्थित काली मंदिर से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल पहुंची। इस दौरान महिलाओं में श्रद्धा का माहौल देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल भी मौजूद हुए। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लेकर कलश यात्रा में अपनी हाजिरी लगाई। पूरी कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में जोश एवं भक्ति का माहौल देखने को मिला। मैथिल मंच के द्वारा भागवत कथा हो रहा है, उसका कलश यात्रा है, जिसमें समाज कल्याण के लिए हम पूरा समाज कल्याण के लिए कलश यात्रा निकाल रहे हैं। तो किस तरीके से श्रद्धालुओं में जो श्रद्धा का माहौल रहता है, क्या चीजें रहती है, थोड़ा सा बताएं। इसमें ये पूर्वांचल और सभी यहाँ के लोग के मिलके हमेशा श्रद्धालु रहते हैं, और ये हमेशा हम जब छठ पूजा और सरस्वती पूजा करते हैं इस तरह का कलश यात्रा। कितने समय से आप कर रहे हैं ये कलश यात्रा? इसे भागवत कथा पहली बार हो रही है, लेकिन कलश यात्रा और पूजन बहुत दिन से हो रही है, और सभी समाज इसमें लगे हुए रहते हैं।